Subscribe to Movie Talkies and click on the bell icon for latest updates. अरे मोबाइल हट जा बेटा आगे सटो थैंक यू कितना बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं एक ऐसे ब्रांड के साथ जुड़ी हूँ जो बहुत अच्छा काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में और मैं यहाँ लखनऊ हूँ इसी इनिशिएटिव के प्रचार के लिए द इनिशिएटिव इज कॉल्ड निहार नेचुरल शांति आमला पाठशाला फनवाला जिसके ज़रिए हम बच्चों को अंग्रेज़ी बहुत ही मज़ेदार तरीके से सिखाते हैं तो आपको एक मिस कॉल देना होता है इस निःशुल्क नंबर पर 8055667788 और आपको वापस एक कॉल आएगा जिसे आप जब सुनेंगे तब आपको थोड़ी थोड़ी अंग्रेज़ी हर बार सीखने को मिलेगी इन अ वेरी फन वे शांति दीदी और अबू डबू ये तीन पात्र हैं जो आपको एक बहुत कभी गाने के ज़रिए कभी कविता के ज़रिए वो आपको अंग्रेज़ी सिखाएंगे तो फरवरी में इसका लॉन्च हुआ और अब तक 7 लाख बच्चों ने इसका फ़ायदा ऑलरेडी उठाया है तो इसी से प्रेरित होकर हम इसका और प्रचार करने आए हैं तो बच्चों ने आपको टीवी पर देखा था आपका इतना रिस्पॉन्स अच्छा मिला था कि ये इवेंट हिट हो गया पर जब खुद विद्या बालन आके इसके बारे में बात करें क्या किस तरह का रिस्पॉन्स आप इसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं आई होप कि और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं क्योंकि ये बहुत देखिए यू नो ऑफकोर्स हम यही उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे स्कूल जाएँ वहाँ शिक्षा पाएँ पर इसके अलावा आज की दुनिया में अंग्रेज़ी जानना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि दुनिया छोटी होती जा रही है और जब हम दूसरे देश के लोगों के साथ मिलते जुलते हैं तो ज़्यादातर लोग देशों में लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं तो हम पीछे क्यों छूट जाएं तो इस वजह से हम बच्चों को अंग्रेज़ी सिखा रहे हैं एंड आई होप कि इसका
इसका हर बच्चा फ़ायदा उठाए अपने फ्री टाइम में, इसके बजाय कि कोई गेम खेले या फिर क्या अनाप शनाप देखे मोबाइल पे, इसका कुछ अच्छा मज़ेदार जो बच्चों को अच्छा लगता है उस तरीके से इन मॉड्यूल्स को क्रिएट किया गया है। जब आप सुनेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि बच्चों को लगेगा कि अच्छा ये शायद कोई कहानी है, सुनते 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 धीरे धीरे हम उनको सिखा रहे हैं। तो आई थिंक आई एम होपिंग कि बहुत और बच्चे इससे प्रभावित हों। बाहर जो थोड़े बहुत बच्चे मौजूद थे उनसे हमने जब बात किया कि पढ़ाई में उनका कितना इंटरेस्ट है, तो किसी ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, पर हम भी ऐसे ही थे ना। हाँ, तब जब स्कूल में थी तो लगता था कि स्कूल से कब छूटूंगी, अब लगता है कि काश कि मैं स्कूल में वापस जा पाती। ये हर एक की कहानी है। तो आई थिंक बच्चों को अगर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है इस वक्त, तो आप उनको मतलब कुछ कह भी नहीं सकते। वी ऑल बिन थ्रू दैट, बट होपफुली ऐसे इंटरेस्टिंग मॉड्यूल्स के द्वारा वो कुछ मज़ेदार तरीके से सीखेंगे, इस तरह के सीखने में उनको ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट योर ओन पर्सनल चॉइस, जब आप फिल्म्स करती हैं तब एक एक हटके टॉपिक होता है, और जब आप कोई सोशल कॉज लेती हैं वो भी एकदम हटके होता है, एज एन एक्टर कितना आपको पीसफुल ये इनिशिएटिव लगता है? आई थिंक मुझे लगता है कि आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट एजुकेशन। आई फील कि हर इंसान का हक है शिक्षा पाना। तो और मेरे एक्टर होने की वजह से अगर दो और लोग मेरी बात सुनकर उस पर अमल करते हैं तो फिर मैं मैं अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करना चाहूँगी। तो इसी वजह से आई हैव यूज्ड माय वॉइस, व्हेन आई से वॉइस आई डोंट मीन लिटरली बट फॉर स्प्रेडिंग द कॉज ऑफ एजुकेशन। एंड बहुत इट्स वेरी फुलफिलिंग टू सी लिटिल चेंजेस व्हेन निहार नेचुरल शांति आमला सेंड्स मी फिगर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम about the kind of progress we're making, about the number of calls. लगता है कि अच्छा कुछ अच्छा कर रहे हैं। Independence is on the corner. आप किस तरह independence को मानती हैं? I think independence के मायने हर एक के लिए अलग होते हैं क्योंकि हर एक की परिस्थिति अलग होती है, पर मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हम सब independence के मायने पर अमल करें और अपनी सोच को मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पहले फ्री करें, आज़ाद करें। मेरी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्र रहे, दूसरों को स्वतंत्र रहने दे। थैंक यू।